नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो होने वाला है, जैसे कि आपको टाइटल से समझ में आ ही गया होगा, ये थोड़ा सा पर्सनल है। इट इज बेसिकली अ व्लॉग जो कि मैं कर रही हूँ फॉर माय फैमिली हु आर नॉट विद मी हियर, और जो व्लॉग के थ्रू, इस व्लॉग के थ्रू ही देखेंगे, यू नो, द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे। बेसिकली आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मेरी शादी को अराउंड 2 साल हो गया है, नेक्स्ट मंथ होगा बेसिकली। एंड शादी के बाद मैंने और इन्होंने जॉइंटली कुछ भी मेजर नहीं किया, बिकॉज हमारी शादी के थोड़े महीनों बाद ही कोविड शुरू हो गया, एंड वी वर ब्लॉक्ड इन द ब्लॉक्ड इनसाइड आर हाउस वी वर लॉक्ड इनसाइड आर हाउस एंड कहीं जाना नहीं हुआ, कहीं घूमना नहीं हुआ। बहुत सारे प्लान्स थे जो हम दोनों ने शादी के पहले बनाए थे, और वो सारे के सारे प्लान्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिलेड हो गए। एंड या सो टुडे वन ऑफ द प्लान्स, ईश्वर की कृपा से एक प्लान जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों के जीजा जी और मैं, हम दोनों अपनी फर्स्ट गाड़ी, फर्स्ट आफ्टर मैरिज न्यू कार, वी आर गोइंग टू टेक इट दिस वीकेंड, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। तो अभी मैं जाने वाली हूँ हमारे थोड़े लोकल शॉप्स में, एंड आई एम गोइंग टू बाय एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति, बापा की मूर्ति लेंगे एक, और एक छोटू सा कृष्ण भगवान की मूर्ति लेंगे, और एक हनुमान जी की देखेंगे। या तो मेरी तो इच्छा है कि वो हनुमान जी के जैसे फ्लाइंग वाले होते हैं ना, आई डोंट नो उनके उनको क्या कहते हैं, बट वो मुझे लेने की इच्छा है अपनी कार के लिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट परचेज फॉर आर कार दैट वी आर गोइंग टू मेक, एंड आई रियली वॉन्टेड कि गणपति बापा की मूर्ति से ही फर्स्ट परचेज हो। सो या आई एम गोना गो देयर नाउ। सो आप लोग भी आइए एंड लेट मी नो इफ यू लाइक द छोटू सा मूर्ति जो हम ले रहे हैं। रहना चाहिए ना। सो वी हैव सिलेक्टेड हनुमान जी, ये हनुमान जी मिले हमको, बोलने वाले नहीं मिले। सो दिस इज द वन, एंड पापा में वी आर डिसाइडिंग बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे हैं मुझको। इस वाले मूर्ति में ना एक दैविक बात है, एंड दिस मूर्ति इज मोर ऑफ अ क्यूट पापा, बट वी आर गोइंग टू टेक द वन जो ज्यादा हल्का हो, जो ज्यादा हल्का हो वो वाला नहीं है। सो कौन सा वाला ज्यादा हल्का लग रहा है, ये वाला? तो ये वाला ले। मेरी इच्छा एक छोटू सा कृष्णा लेने की, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो देखने के लिए और समझ नहीं आया। तो पहले वाले शॉप में हम लोगों को कृष्णा नहीं मिला था, कृष्णा का छोटू वाला मूर्ति नहीं मिला था, तो हम दूसरे शॉप में आए हैं। आई होप इस शॉप में मुझे छोटू सा कृष्णा का मूर्ति मिल जाएगा। अब मैं आई हूँ हमारे लोकल टेम्पल में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी अगर मुझे यहाँ पे पुजारी जी मिलते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ ये लोग पूजा करेंगे, बिकॉज मेरा तो प्लान यही है कि, बहुत शोर है, मेरा प्लान यही है कि पूजा करा के गाड़ी की आरती उतार के फिर ही एंट्री करें, घर में जाए। सो चलिए दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के और पूछ लेते हैं पुजारी जी पूजा कर पाएंगे। अभी अभी बात हो गई है पंडित जी से, एंड ही हैज गिवन मी द एंटायर लिस्ट ऑफ थिंग्स, यू नो, पूजा सामग्री जो भी होती है उन्होंने पूरी लिस्ट दी है, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मेरा मन कर रहा है कि कल मैं छुट्टी ले लूं और जाऊं पूजा का ये शॉपिंग करूं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। देखते शायद जिस दिन कार लेंगे उसी दिन शायद पूजा की सामग्री लेंगे ताकि सब फ्रेश रहे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं जा रही हूँ टू गेट अ कपल ऑफ थिंग्स, कुछ छुटपुट चीजें लेनी है, पूजा का सामान लेना है, एंड आफ्टर दैट वी वुड गो एंड वी वुड गेट द कार। मैं अभी एकदम बोरिंग से कपड़े पहने हुए हैं मैंने, बट आई हैव अ स्पेशल साड़ी इन माइंड जो मैंने अराउंड 1-2 साल से खरीद रखा है, उसको यूज नहीं किया, बट टुडे आई एम गोइंग टू वेयर दैट साड़ी, एंड आई जस्ट लव दैट साड़ी, सो आई कांट वेट टू वेयर इट।
फाइनली वी आर ऑन आवर वे. काफी लेट हो गया है. हमारी इच्छा थी कि हम 10 o'clock वहाँ पे पहुंचेंगे बट नहीं हुआ. अभी 12:45 बज गए हैं लिटरली घर से निकलते, क्योंकि पूजा का सारा सामान जो भी है वो जुटाने में भी काफी लेट हो गया. देन रिटर्निंग होम, आई मीन कुछ भी स्पेशल करने जाओ लेट होता ही है. चाहे आप जितना भी होप कर लो कि जल्दी निकलोगे, डिलेज विल बी देयर. आई एम रियली मैड राइट नाउ. एंड मैंने मिस्टर के ऊपर भी काफी अपना गुस्सा निकाला, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि he delayed it, which is pretty normal. We always keep on blaming. But anyway, and I'm also wearing this Ajrak model sari. गाड़ी में तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट आई एम सच अ फैन ऑफ दिस साड़ी. मैंने इसे इतने दिनों से वेट किया था कि कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तब पहनूंगी. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट आई एम वेयरिंग दिस वन. दिस इज अ ब्लॉक प्रिंट साड़ी एंड आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. आई जस्ट लव दिस साड़ी, दैट इज इट. सो दिस इज इट. अभी सू को सब समझा दिए हैं फीचर्स वगैरह, मैं सू से समझ लूँगी बाद में. एंड यह अभी तक डिलीवरी नहीं लिया बिकॉज आई नो दैट 12 to 3 o'clock तक शुभ मुहूर्त है या टाइम है. सो आई एम वेटिंग फॉर 12 p.m. और उसके बाद डिलीवरी ले लूँगी. और इस यहाँ से हम जाएंगे सीधा मंदिर, मंदिर जाके पूजा करेंगे और फिर घर जाएंगे. होगी गाड़ी लेने से भी ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे होती है पूजा की. सो आई एम जस्ट वेटिंग. सामग्री वगैरह हम ले आए हैं, पंडित जी को बोल दिया है, वो भी तैयार होके आ रहे हैं. मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो पूजा हुई, यंत्र की पूजा, गाड़ी की पूजा हुई, वो बहुत डिटेल में हुई जैसे मुझे चाहिए थी. क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि बस
नींबू के ऊपर से चले आओ तो हो जाएगा, मतलब नींबू पहियों में लगा के चले आओ तो हो जाएगा, बट आई वॉन्टेड अ यू नो वेरी डिटेल्ड यंत्र पूजा और वैसे ही हुआ, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. लेकिन वी आर ऑल्सो वेरी टायर्ड बोथ ऑफ अस, तो आज खाना कोई नहीं बनाने वाला और कुक भी नहीं आ पाई बिकॉज हम सारा दिन बाहर थे. सो आई गेस वी आर ऑर्डरिंग समथिंग नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू. जो मिस्टर हैं वो ऑर्डर करें स्विगी पे कुछ जो भी उनको पसंद है. सो या आई थिंक वील साइन ऑफ, आई साइन ऑफ दिस ब्लॉग. ब्लॉग मुझे ये लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती, दो आई ट्राई आई कैन नॉट, बट या दिस इज वॉट इट वॉज. थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. और या जाने से पहले प्लीज़ अपना मुंह मीठा करके जाइए.